संडे स्टोरी विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता से। मैं और डॉक्टर सरफराज जब भी कलकत्ता में मिलते हैं तो सुबह सुबह 5 बजे विक्टोरिया मेमोरियल में सैर करने आते हैं। आज उन्होंने मुझे बहुत ही उम्दा कहानी सुनाई जो मैं अपने शब्दों में आज आपको सुनाने वाला हूं। मेरा बचपन कुछ ऐसा बीता कि शुरू से मैं हमेशा सिर्फ एक धुन होती थी कि कोई भी दौड़ हो उसमें मुझे फर्स्ट आना है। और जब मैं 6th class में पहुंचा तो हमारे स्कूल के अंदर ही एक कंपटीशन था कि रेस में पार्टिसिपेट करना है, और 100 मीटर की वो रेस थी। और जैसे ही सीटी बजी दौड़ना शुरू किया और मैं रेस में फर्स्ट आया, और सारा जितने स्कूल के बच्चे थे खूब तालियां बजी और मुझे भी इतनी खुशी हुई, मैं फर्स्ट आया। और इसी तरीके से वो मन के अंदर समा गया कि चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो रेस हो, हमेशा फर्स्ट आने की कोशिश करूंगा और फर्स्ट आऊंगा। तो मेरे जो अध्यापक थे उनको लगा कि अगर इतना अच्छा ये भागा है तो क्यों ना इंटर स्कूल कंपटीशन में भी इसको लेकर जाऊं। और जब वो इंटर स्कूल कंपटीशन में लेकर गए तो वही कहानी, रेस शुरू हुई। और जैसे ही रेस शुरू हुई इतनी तेज भागा कि फिर फर्स्ट आया, और फिर वही चिल्लाया, आज मैं फिर फर्स्ट आया। और बहुत खुश हुआ और पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा, बहुत अच्छा लगा। मगर मैंने अपने अध्यापक की तरफ देखा और वो बहुत ही मौन से थे, इतने खुश नजर नहीं आ रहे थे जितना कि मैं खुश नजर आ रहा था। तो मैंने अध्यापक जी से जाके पूछा कि क्या हुआ, आप इतने खुश नहीं हैं? मैं फर्स्ट आया जो मैं सोचता था, और सारा स्टेडियम की तालियां गूंज रही थी, मगर आप फिर भी खुश नहीं नजर आ रहे। तो मेरे अध्यापक ने कहा कि इसका जवाब मैं तुम्हें बाद में दूंगा, तुम्हें एक रेस और जीतनी। तो मैंने बोला ठीक है, अपने से सीनियर बच्चों के साथ रेस होगी और उसमें अगर तुम जीत सकते हो तो बात है। और वही हुआ, अपने से सीनियर बच्चों के साथ जब रेस हुई और तेजी से भागा, और फिर मैं फर्स्ट आया, और फिर मैं बोला मैं फर्स्ट आया, और सारा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। तो मैं बहुत ज्यादा उत्साहित था, बहुत ज्यादा खुश था। मगर अध्यापक वही का वही मौन रहे और कुछ ज्यादा उन्होंने खुशी व्यक्त नहीं करी। अब मुझसे रहा नहीं गया तो मुझे लगा कि अध्यापक के मन में कुछ और है। तो मैंने उनसे पूछा जाके कि क्या हुआ, आज तो मैं अपने सीनियर बच्चों के साथ भी रेस में जीत गया, फर्स्ट आया, स्टेडियम में पूरी गड़गड़ाहट हो रही थी तालियों की, मगर आप बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे थे, क्या मैं ठीक नहीं कर रहा था? तो उन्होंने कहा इसका जवाब एक और रेस के साथ होगा, और अब तुम रेस के लिए खड़े हो जाओ। और मैं हैरान हो गया कि ना अपनी उम्र के ना सीनियर लोगों के साथ मेरा कंपटीशन था, मगर एक बूढ़ा और एक अंधी माता, हम तीनों एक लाइन में लगा दिए गए। और जैसे ही पिस्टल बजी और मैंने भागना शुरू किया और इतनी तेज भागा कि मैं फिर फर्स्ट आ गया। तो अध्यापक देखते रह गए और मैं भी देखता रह गया कि इस रेस में जो एक बूढ़ा और एक अंधी औरत और उनके रेस में तो मैं फर्स्ट आया, पर कोई भी स्टेडियम के अंदर किसी की तालियों की गड़गड़ाहट नहीं थी, पूरा सन्नाटा था। और मुझसे फिर रहा नहीं गया और मैंने अध्यापक से कहा अब मुझसे क्या गलती हो गई,
आपने मुझे कहा कि रेस करनी होगी, मैंने रेस करी, मैं फर्स्ट आया, मैं जीत गया, मगर सारा स्टेडियम सन्नाटे से भरा है और किसी ने भी कोई ताली नहीं बजाई। तो अध्यापक बोले कि इसका जवाब फिर दूंगा, एक और रेस बाकी है तुम्हारी। अब मैंने सोचा कि क्या मतलब क्या है इस रेस का। तो सेम बूढ़ा व्यक्ति, अंधी औरत और मैं, और पिस्टल बजी, रेस शुरू हुई। अब मेरे मन में काफी द्वंद चल रहा था कि क्यों नहीं तालियां बजी। तो मैंने एक तरफ उस बूढ़े व्यक्ति को और एक तरफ उस अंधी औरत को साथ 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 लेकर रेस के लक्ष्य तक पहुंचा। और जब लक्ष्य तक पहुंच गए हम तीनों, तो सारा स्टेडियम तालियों से गूंजता रहा और तालियां बजती रही। और उस समय मेरे अध्यापक बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्होंने कहा कि यही मैं तुम्हारा अहम दूर करना चाहता था, यही मैं देखना चाहता था कि तुम सिर्फ अपने लिए फर्स्ट आने के लिए रेस कर रहे हो या बाकियों को भी जब साथ लेके चलते हो और फिर रेस कंप्लीट करते हो उसमें ज्यादा खुशी होती है, या सिर्फ अकेले फर्स्ट आने में ज्यादा खुशी होती है। बहुत बड़ा लेसन मेरे अध्यापक ने उस दिन दिया कि जब आप अपने साथ लोगों को लेकर चलोगे और लक्ष्य पे पहुंचोगे उसमें ज्यादा खुशी है बनिस्मत की अकेले जीत में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस संडे।